हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट, सुबह ना आपकी जो फर्स्ट मैरिट लिस्ट आई थी वो आई थी सिर्फ एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की, लेकिन अब आपके काफी अदर सब्जेक्ट्स की भी मैरिट लिस्ट आ चुकी है। सो लेट्स सी आप उसको कैसे देखोगे। सो आप सबसे पहले सर्च करोगे DUPG एडमिशन, देन स्टूडेंट्स इसको सर्च करने के बाद आपके पास इस टाइप का पेज ओपन अप होगा। सो सबसे पहले इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, admission.uod.ac.in पर। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ओरिजिनल वेबसाइट ही ओपन अप हो जाती है। सो स्टूडेंट, जब आप नीचे जाओगे ना स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे ये सब मेन्यू का ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडमिशन लिस्ट्स। जब आप एडमिशन लिस्ट्स पे क्लिक करोगे, सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी कि जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखो ये बीएड स्पेशल एजुकेशन जो विजुअली के लिए थे उनकी ये मैरिट लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे एमटेक माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी ये मैरिट लिस्ट अभी आ चुकी है। शाम तक स्टूडेंट्स हो सकता है सभी सब्जेक्ट की आ जाए। एंड स्टूडेंट्स देखिए, आपके एमए फ्रेंच की आ चुकी है, एमए ज्योग्राफी की मैरिट लिस्ट आ गई, जर्मन के लिए आ गई, एमए हिस्पैनिक इटालियन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन लिंग्विस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि आपकी सभी जिन भी सब्जेक्ट्स की अभी फिलहाल मैरिट लिस्ट आ चुकी है वो सभी यहाँ पे है। आप देखो यहाँ पे आपकी ये सोशियोलॉजी की भी आ गई है, माइक्रोबायोलॉजी की आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स। सो यहाँ पे ये आपकी सभी सब्जेक्ट्स की दी हुई है। एंड अगर आपको ये मेरिट लिस्ट को देखना है तो आप क्या करोगे, मान लीजिए कि मैं देख रही हूँ ये एमए इटालियन के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक ऑन करूंगी। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन अप करके देखोगे तो यहाँ पे ये बच्चों का फॉर्म नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा है, कौन से डिपार्टमेंट में मिला है, यहाँ पे क्लियरली देखो इनका रोल नंबर है, फॉर्म नंबर लिखा हुआ है, बच्चे का नाम लिखा है, अलॉटेड कॉलेज कौन सा उस बच्चे का, उसके एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स कितने हैं, उसको रैंक क्या मिली है, तो आपकी CGPA क्या आई है, उस अकॉर्डिंग परसेंटेज क्या बन रही है, एंड आपको किस चॉइस में कैटेगरी आपकी क्या है। सो ये सभी आपको इस पूरी लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू सर्च योर नेम। तो अभी फर्स्ट मैरिट लिस्ट आ चुकी है, हो सकता है शाम तक सभी फर्स्ट मैरिट लिस्ट आ जाए सभी सब्जेक्ट्स की। सो स्टूडेंट साइट पर विजिट करते रहना, और जैसे आपकी एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए नॉर्मल बीएड के लिए मैरिट लिस्ट आती है तो मैं आप सभी को बता दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड जल्द से जल्द अभी अपना जिन भी बच्चों की मैरिट लिस्ट आ चुकी है वो चेकअप कर लो क्या उनका नेम है या नहीं है। सो बाय बाय।